सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तर आप देख रहे हैं डेढ़ डॉक। तो आज एक नया हेडफोन का अनबॉक्सिंग करते हैं जो आपका भेजा गया है एम्ब्रेन की तरफ से। ये है आपका एक वायरलेस हेडफोन और इसका मॉडल नंबर है एम्ब्रेन WH83। उसके साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पर आपको सभी लेटेस्ट फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अगर एक एक करके देखा जाए यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, उसके बाद कंट्रोल बटन्स है, रिचार्जेबल बैटरी, बिल्ट इन माइक्रोफोन है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको परफेक्ट HD क्वालिटी साउंड भी देखने को मिलता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर आपको और क्या क्या मिलता है। सो पीछे यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन मेंशन है, तो अधिक जानकारी के लिए डेफिनेटली पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड का सपोर्ट मिलता है, रिचार्जेबल बैटरी, नॉइस आइसोलेशन है, उसके साथ साथ ऑक्स केबल भी सपोर्टेड है, हाई बेस है। और यहाँ पर आपको दिया गया स्टैंड बाय टाइम अप टू 15 आवर्स, चार्ज टाइम अप टू 2 आवर्स, और उसके साथ साथ 6 आवर्स ऑफ टॉक टाइम एंड 5 आवर्स ऑफ म्यूजिक प्लेबैक। 130 mAh का बैटरी इसके अंदर आपको दिया गया है और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी यहाँ पर आपको दिया गया है। ब्लूटूथ वर्जन है 5.0+ EDI, मतलब लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन आपका दिया गया है। अगर प्राइसिंग देखा जाए इसका प्राइस है आपका 999 rupees जो आपको मिल जाएगा एम्ब्रेन के खुद के वेबसाइट पे। बेस्ट डायली मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, सो आप चेक कर सकते हैं। एक्चुअली इस हेडफोन को मैं ऑलरेडी 2-3 दिन इस्तेमाल कर चुका हूँ, उसके बाद मैं बना रहा हूँ ये रिव्यू। तो जल्दी से मैं बॉक्स को ओपन करके आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली हेडफोन कैसा देखने में है और आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या सामान मिलता है। सो इसको रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है हेडफोन इटसेल्फ, उसके बाद आपको मिल जाता है एक डेटा केबल, नॉर्मल USB टू माइक्रो USB डेटा केबल चार्ज करने के लिए। उसके बाद आपको मिल जाता है कुछ यूज़र मैनुअल और वारंटी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। और फाइनली आपको मिलता है द हेडफोन इटसेल्फ। हेडफोन मैं थोड़ा बहुत नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार का देखने में अच्छा चीज़ है। इसको आप फोल्ड कर सकते हैं ऐसे, तो फोल्ड करके आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, तो काफ़ी पोर्टेबल है, काफ़ी फोल्डेबल भी है। इसको आप ऐसे बड़ा कर सकते हैं, बड़ा छोटा, तो यहाँ पर आपका एडजस्टेबल ये जो आपका हेड के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और फोल्ड ऐसे आप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया। सो काइंड ऑफ दैट क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको जो पैडिंग दिया गया है सर के यहाँ पर, ये भी काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल पैडिंग काफ़ी अच्छा है, और जो कानों का जो पैडिंग है ये भी काफ़ी अच्छा है। तो कानों में जब पहनेंगे आपको काफ़ी अच्छा एक कंफर्ट फीलिंग आएगा। खाली यही नहीं, यहाँ पर अगर आप हेडफोन देखते हो ये स्टिफ रहता है बहुत किसी का, लेकिन ये आपका लूज है, मतलब आप कानों के हिसाब से इसको राइट लेफ्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंफर्ट के मामले में काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया। यहाँ पर आपको एम्ब्रेन का ब्रांडिंग है दोनों साइड में, और यहाँ पर आपको मिल जाता है टोटली बटन कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर पावर ऑन ऑफ है और मोड ऑप्शन है, कॉल रिसीव एंड प्ले पॉज का बटन है, उसके साथ साथ नेक्स्ट प्रीवियस वॉल्यूम अप डाउन का भी बटन है। और साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पर आपको ऑक्स केबल का भी ऑप्शन है, मतलब अगर ब्लूटूथ में आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, बैटरी खत्म हो गया, तो ऑप्स केबल के माध्यम से डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है USB पोर्ट, और यहाँ पर आपको मिल जाता है माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, मतलब अगर आप चाहे तो डायरेक्टली माइक्रो SD कार्ड लगा के म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, मतलब यू कैन यूज इट एज ए MP3 प्लेयर ऑल्सो। और एक बहुत ही अच्छा फीचर है इस डिवाइस में जो बहुत सारे हेडफोन में मिसिंग रहता है, वो आपका FM रेडियो। जी हाँ, इसके अंदर आपका FM रेडियो है, तो अगर आप चाहते हैं FM रेडियो प्ले कर सकते हैं। और मैंने जितना देखा ट्यून करना काफ़ी आसान है, और सभी चैनल्स लगभग यहाँ पर आपका चल रहा है। इंडोर में हो सकता है तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो, लेकिन आउटडोर में मुझे नहीं लगता दिक्कत होगा, क्योंकि मैंने बाहर ऑलरेडी इसको 1-2 दिन इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो ओवरऑल ये FM वाला फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू हैव। जो साउंड देखा जाए इसका, साउंड परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका बेस काफ़ी अच्छा है, और उसके साथ साथ साउंड का जो लेवल है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। हाई लेवल में तो आप सुन नहीं पाएंगे क्योंकि इसका साउंड काफ़ी लाउड है। अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 65-70% साउंड में सुनते हैं, आई थिंक आपको बहुत अच्छा साउंड परफॉर्मेंस मिलेगा, जो काफ़ी ज़्यादा लाउड भी है। जहाँ तक आपका ओवरऑल साउंड का रेटिंग देखा जाए, इफ़ यू आस्क मी टू इट, आई विल गिव 8.5 out of 10, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका साउंड परफॉर्मेंस। ओवरऑल अगर फीचर्स देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑक्स केबल मिलता है, उसके साथ साथ FM रेडियो है, मेमोरी कार्ड लगाने का जगह, तो ओवरऑल देखा जाए विच इज सिंपली 8.5 out of 10, क्योंकि यहाँ पर आपको इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत कुछ दिया गया विच विल कॉस्ट यू ओनली 999 rupees। और एक चीज़ देखा जाए अगर बिल्ड क्वालिटी एंड टोटल डिज़ाइन मैं नहीं बोलूँगा एकदम नया है, इस टाइप का डिज़ाइन मैंने ऑलरेडी देखा है, लेकिन वी टॉक अबाउट क्वालिटी एंड ऑल दैट, इन टर्म्स ऑफ द प्राइस मुझे लगता है इसका भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा, सो डेफिनेटली आई विल गिव 7.5 out of 10। अभी बात करते हैं प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, नो डाउट द 1000 रुपये में विच इज 999 rupees में मुझे लगता है ये काफ़ी एक अच्छा पिक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका साउंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, अगर आपके पास स्मार्टफोन भी नहीं है आप मेमोरी कार्ड लगा भी गाने सुन सकते हैं, वो भी नहीं है तो एटलीस्ट आप FM रेडियो से गाने सुन सकते हैं, बैटरी खत्म हो जाए तो आप ऑक्स केबल लगा के भी गाने सुन सकते हैं। ये सभी फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगा अंडर 1000 rupees में। और बैटरी परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, इट विल इजीली लास्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स, अगर आप कंटिन्यूसली 70-80% वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनते हैं, तो मुझे लगता है जो काफ़ी ठीक ठाक है। तो गाइज ये था आपका लेटेस्ट एम्ब्रेन WH83 का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। आप बताओ आज के वीडियो आपको कैसे लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ट्विटर, फेसबुक एंड शेयर ऑन इंस्टाग्राम, विच इज इंस्टाग्राम लाइक डेढ़ 15। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, दिस योर होस्ट मी साइन इन।
फ्रॉम नेडॉग, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।